birds roaring in the morning sun, searching for a longer day. तो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है. फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ने सेकंड फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हम लोग दिल्ली से अजमेर राजस्थान के लिए जा गए थे, और वहाँ मैंने एक होटल लेने के बाद हम लोग फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए. सबसे पहले हमने हिम क्रीम खाया. हिम क्रीम खाने के बाद हम लोग आगे बढ़े, तो बढ़ने के बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा घूमने का प्लेस है, तो जिसको कहते हैं हम लोग अन्ना सागर है. तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. तो पहले, सबसे पहले हम लोग ने डिसाइड किया सबसे पहले हम लोग अन्ना सागर जाएंगे, देन धीरे धीरे सारी चीज़ इतना हो सके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोग का वहाँ 3 दिन का ट्रिप था. 3 दिन हम लोग वहाँ रुकने वाले थे, तो 3 दिन में जितना कवर सके उतना कवर किए. और सबसे पहले हम लोग अजमेर का जो मेन गेट होता है वहाँ से हमने ऑटो किया. ऑटो ने वाले ने हमसे 30 रुपये का, नहीं 40 रुपीज़ का चार्ज मांगा. तो हमने कहा कि भैया यहाँ के पता है हमको चार्ज 20 रुपीज़ है. तो उन्होंने ठीक है बैठ जाओ, तो क्योंकि वो नए लोग को देख के अपने हिसाब से चार्ज बताते हैं. तो ध्यान रखना कि वहाँ का 20 रुपीज़ मैनुअल नॉमिनल से चार्ज है. थोड़ा सा 19-20 होता है, साल 2-3 साल में 50 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये बढ़ जाते हैं. बट हम लोग जो वीडियो 2022 में गए थे फरवरी में, तो ध्यान रखना 23 का ये चार्ज है 20 रुपीज़. तो हम लोगों ने वहाँ से ऑटो बुक किया टुकटुक को. टुकटुक ने हमें सीधा जो था अन्ना सागर की तरफ ले गए. वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, गली गली हम लोग को लेके गया था. और वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली, मतलब एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है. लेकिन ध्यान रखना वहाँ गर्मी बहुत रहता है, तो अगर आप जा रहे हो तो हल्का कपड़ा लाइट कपड़ा लेके जाना. वहाँ बहुत सारी चीज़ घूमने के लिए है, टमटम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है. तो वीडियो में अन्ना सागर की तरफ ऑटो वालों ने यहाँ छोड़ दिया, ये रहा ऑटो स्टैंड. और टिकट भी मिल गया, 25 रुपये टिकट का लिया. जैसे कि हम आपको यहाँ पे बोर्ड दिखाते हैं, 25 रुपये पर्सन और 30 रुपये आपके और ना टिकट अपन ने ले लिया. तो इंटर करते हैं टिकट लेने के बाद अपन इंटर कर गए. अंकल ने फाड़ दिया टिकट को, ये देख रहे हैं एक बड़ा सा होल कर दिया है. अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, अन्ना सागर का आपको व्यू दिखाते हैं कि अन्ना सागर है कैसा. स्टार्टिंग का वीडियोस ने दिखा है कि क्या क्या इसमें है. नॉर्मल सा आपको पार्क मिलेगा, और उसके बाद आप अंदर आओगे तो सामने में सागर है, और अंदर में एक कुछ मॉन्यूमेंट जैसा बना हुआ है. आप पीछे आप देखिए मॉन्यूमेंट टाइप का, पुरानी बिल्डिंग जैसी है बनी हुई. और आगे में भी टोटल तीन बनी हुई है. और आपको अंदर का ओवरव्यू देते हैं कि कैसा कैसा है. आप आओ, यहाँ फोटोशूट के लिए बेस्ट प्लेस है. और इसके बाद हम लोग चलेंगे 7 वंडर के पास. तो फिलहाल आज का जो ब्लॉग था यहाँ पे है, लेकिन यहाँ का पूरा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं आप कैसे आ सकते हो. ध्यान रखना किसी के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि लोग यहाँ आपको मिलेंगे जो बहलाएंगे फुसलाएंगे और काट देंगे. इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि जब भी आप करो थोड़ा सर्च करो, लोगों से पूछ लो, तभी आप उस पर कम करना. और ऑटो वालों ज़्यादा आपको बुलाएंगे, इतने लेंगे उतना लेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि ऑटो वालों की बात पर मत आना. आप एक दो लोगों से पूछ लेना कि कहाँ से किस चीज़ का मिलता है, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे. यहाँ के लोकल लोग से या जो यहाँ के काम करने वाले हैं उनसे पूछना. ऑटो वाले आपको बोलेंगे यहाँ इतनी दूरी पे है, इतना कॉस्ट लगेगा, उनके बात पे बिल्कुल भी मत आना. एक बार हम आपको फिर से ओवरव्यू देंगे और आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ बेस्ट ऑफ प्लेसेस फ़ोटोशूट के लिए. आप आओ फोटोशूट करो, काफ़ी सुंदर प्लेस है, नो डाउट. इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि प्लेस में कोई दिक्कत है. अच्छे अच्छे व्यूज़ भी है. एक आपको राइट साइड पे मिलेगा पार्क, और लेफ्ट साइड पे यानी कि साइड पे हम बैठे हुए राइट में पार्क का, लेफ्ट में आपका रहते हैं सागर. तो यही है यहाँ का ब्लॉग, बस इतना ही था. लेकिन हम आपको एक बार और ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद ब्लॉग को करेंगे एंड और अपना चलेंगे रूम. वहाँ से फ्रेश होंगे, फिर 7 वंडर के पास जाना है.
और उसके बाद और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, धीरे धीरे रिवील होगा, तो अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, सीधा हम आपको ओवरव्यू करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ स्टार्ट करते हैं, एक ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए आप, पहला आपको मिलेगा ये एक बैठने का प्लेस है, सेकेंड ये है, थर्ड इसके अंदर है, और ये पार्क आपको मिलेगा। यहाँ पे लोग बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फोटोग्राफर भी लोग रहते हैं। और ये रहा आना सागर, ये आप देख सकते हैं आना सागर, ये पूरा आना सागर है, नाम इसका सागर है, बट ये सागर नहीं है, ये तालाब, लेकिन इसका नाम पड़ा है आना सागर। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हमको तो पता नहीं एग्जैक्ट, तो हम आपको बताएँगे ज़रूर। पर आप देख सकते हो, देखो ये आप देख रहे हो, वहाँ पर छोटे छोटे से बने हुए हैं, ये आप देखो, ये आना सागर है। यहाँ पे मछलियाँ भी काफ़ी आपको दिखाते हैं, आज हम लोग इसमें डालेंगे चारा, मतलब उसको खिलाएंगे खाना, तो अभी हमको ला के जाना होगा। और ये आपका आना सागर, यहाँ पे बोटिंग भी होती है, और वो सामने टापू है, वह बोट आपको यहाँ से लेगी, वहाँ से राउंड करके देन वापस आपको वहीं ला के छोड़ देगी। क्या कॉस्ट है तो वो तो पता नहीं है, तो आपको पता करके बताते हैं। बहुत सारी बोटिंग होती है, और मछलियों को चारा दे सकते हैं, ये आपको मिलेगा। ये आप देख रहे हो, काफ़ी सुंदर सा प्लेस है, सब लोग फोटोशूट पे अपने लगे हुए। तो फ्रेंड्स, हम लोग को एक भैया मिले थे जो कि पुष्कर लेके जा रहे थे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पर फिर उन्होंने कहा कि हम आपको 6:30 बजे तक घुमा के पुष्कर से वापस ले आएंगे। तो ये फ्रेंड जो मेरा बड़ा स्पीड में पुष्कर जा रहा था, बट किसी कारण हम लोग पुष्कर नहीं जा पाए, क्योंकि एक इंसिडेंस हो गया जो आपको वीडियो का वहाँ पर चलेगा, हमें पुष्कर क्यों नहीं गया। जैसा कि हम शुरू से आपको वीडियो में बता रहे कि आप वहाँ के लोग से बच के रहें, चार्जेस ज़्यादा आपको लेते हैं। तो वीडियो में देखिएगा फ्रेंड, हम जैसे पुष्कर के लिए निकले, बहुत नॉमिनल से चार्ज बोला था उन्होंने, कहा था कि हम उसे 1500 रुपया या 1200 रुपये आसपास लेंगे, जो कि पुष्कर ले भी जाएंगे और वापस भी लेंगे, गाड़ी बहुत अच्छा है। तो पता चला गाड़ी निकला सेंट्रो भी सड़ा हुआ, उसी से बोला था कि दिखा देंगे सारा पुष्कर उसकर, बहुत सारी चीज़ें जो आपको वीडियो में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि आपको वहाँ सारा चीज़ मस्त वाला घुमाने, वो जो ब्लू ब्लू आगे जा रहा वही था। तो वीडियो में आप देखना फ्रेंड्स कि हम लोग क्यों कैंसिल कर दिया, जो ट्रिप था वो कैंसिल हो गया है। और जैसे कि हम लोग के भाई बताए थे, ट्रेन में मिले थे, फिर से मिल गए हैं। अरे क्या नाम है भाई, बताओ अपने? अदनान इश्तिया। कहाँ से हो? कश्मीर से है। तो अदनान इश्तिया मिल गए अपने को आना सागर में, हम लोग घूमने आए थे, तो घूम लिए। कैसा रहा बताओ, अपने दोस्तों को भी आना चाहिए, आना चाहिए। तो जब भी आना सागर आओ तो ध्यान रखना, किसी के चक्कर में मत पड़ना। भाई ने बताया है कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, और लोकल लोग से ज़रूर पूछना, क्योंकि लोग तुम्हें काटने में बिल्कुल भी तैयार रहेंगे। देखो भाई लोग हाई कर रहे हैं, सब देख रहे हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि आना सागर का प्लान कैंसिल हो गया। भैया ने हम लोग को काटने के लिए पूरा तैयारी कर लिया था, तो भाई मिल गए, तो भाई ने बचा लिया। तो हम लोग जा रहे हैं वापस, और उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर से जा रहे हैं अजमेर, और उसके बाद हम लोग अजमेर में काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए, और वहीं पे चलते हैं। अभी ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना था ना सागर वगैरह हम लोग कर लिए कवर। और क्या नाम है फिर से बताना एक बार? अदनान इश्तिया। कब आए थे यहाँ? कल आए थे। पूरे घूम लिए? और कहीं जाना है? और नहीं जाना है। तो आना सागर भी बहुत अच्छी जगह है, आप आओ। जैसे कि आपको हम बताए थे, किसी के चक्कर में मत पड़ना, और आराम से है ना। अब वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, और हम लोग जा रहे हैं रूम पे ही वीडियो करेंगे स्टार्ट। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब सीधा करते हैं वीडियो को। पर एक भाई से फिर से बोल रहे हैं, भाई ये भाई हमको ट्रेन में मिले थे, काफ़ी कुछ बताया, अभी भी भाई नहीं बचाया। क्या भाई? हाँ भाई बता दो, क्या 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 होती है यहाँ पे? यहाँ जो भी है अपनी मर्जी से करो, किसी की मत सुनो, अपनी मर्जी से करो जो करना है, किसी की मत सुनो। यहाँ पे क्योंकि लोग यहाँ काटने के लिए, यहाँ सब काटने के लिए छुरियाँ तैयार रखी है। तो आप मेरे भाई की बात सुनी कि जैसे कि सब काटने के लिए छुरियाँ तैयार रखी है, तो आप अपने से पहले सर्च करो, लोगों से पूछो, सीधा ऑटो और लोगों के बीच में मत बोलो, क्योंकि लोग आएंगे काटने के लिए, सब यहाँ लोग काटने के लिए बैठे हैं। अगर आपको कटवाने का शौक़ है तो बिल्कुल भी कटवाना, और बिल्कुल भी बताना कैसा लग रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं रोड के बाहर, और ये देख सकते हैं मखानी लस्सी, लस्सी मखानी 30 रुपीज़। तो लस्सी पीने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, लस्सी आ रहा है अपना। लस्सी पीने के बाद अपन 7 वंडर जाएंगे। आपको एक बात लास्ट में हम ज़रूर बताएंगे कि हम ये जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, अपन तपन, तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। भाई अपन लस्सी ला के दे रहे, ये रही अपन लस्सी, देखो
फ्रेंड्स, तो लस्सी को पहले पीते हैं और देखते हैं कैसा लस्सी का टेस्ट है। लखनऊ बनारस का याद आ गया, बनारस वाली टेस्ट मिल रही इस पर। एक बार हम बनारस गए थे, सेम टेस्ट मिल रहा है तो उसको ख़त्म करते हैं, फिर वीडियो करेंगे स्टार्ट। और अपने को जाना सेवन वंडर पार्क, भैया से पूछ भी लेंगे कहाँ पे मिलता है। ये रहे भैया, देख रहे हैं अपन को, वीडियो शूट हो रहा है। तो भैया सेवन वंडर पार्क कहाँ पे? तो यहाँ से ऑटो जाएगी, कितने लेगी ऑटो वाली? कितने लेती ऑटो वाली? दो नंबर वाली ऑटो पे। तो वहाँ कहाँ से मिलेगी ऑटो? तो इन्होंने बताया दो नंबर वाले ऑटो से अपन को 20-20 रुपए में पहुँचा देंगे, दो लोग 40 रुपए, वरना वहाँ भी काटने के लिए तैयार है। 150 रुपए यानी कि 300 रुपए का चोट है, 150 कम से कम तो लगेंगे। तो इसको पहले पी लेते हैं फिर अपन निकलेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं सेवन वंडर, और भैया ऑटो वाले मिल गए, थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करवा के अपन से मांगे 70 रुपीज़ में। तो आप आओ तो ऑटो वाले से थोड़ी सी बार्गेनिंग भी कर लेना, क्योंकि और एक और आपको बात बताऊंगा वीडियो के एंड में, बट अभी आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने आना सागर के जस्ट गेट के सामने से ऑटो को देने के लिया, इन्होंने 70 रुपीज़ हम दो लोगों को पहुँचा दे रहे। और यहाँ से कितनी दूरी आना चाहिए सेवन वंडर मेरे को पता भी नहीं है। चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आना सागर सेवन वंडर की तरफ।